मेन चीज़ है रिजल्ट देखना चाहिए पेशेंट को, रिजल्ट कैसा आता है। कॉस्ट तो कम में भी कर सकता है, लेकिन अच्छा रिजल्ट नहीं आता है तो लोग परेशान होते हैं, मेरा रिजल्ट नहीं अच्छा आया। जी मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, मैं लखनऊ से आया हूँ और मेरे 8 मंथ हो गए हैं हेयर ट्रांसप्लांट के। जी मैं जो उम्मीद लेके यहाँ पे आया था कि हेयर ट्रांसप्लांट यहाँ पे कराएंगे उसका रिजल्ट अच्छा आएगा, वो लगभग सही आया है। मेरा देख भी सकते हैं आप, इतने दिन में 8 मंथ का ये रिजल्ट है, मैं इससे बहुत खुश हूँ। मेरी बार्नेस जो है वो जेनेटिक थी, पिताजी की थी और घर पे बड़े भैया के भी है। लगभग 1-2 साल से मैं बहुत परेशान था, बहुत बार्नेस होती थी, तो यहाँ हरिद्वार में क्लिनिक का यूट्यूब से पता चला तो मैं फिर लास्ट में ही सोचा कि मेडिसिन भी ली, कोई फ़ायदा नहीं हुआ उससे। लेते थे तो PRP भी कराएं, उससे भी कुछ रिजल्ट नहीं आया, तो मैंने सोचा लास्ट में ही डिसीजन लेना है कि हेयर ट्रांसप्लांट के लिए पता करना। यहाँ पे आया तो रिजल्ट देखे लोगों के, एक लोग था उसने बताया भी था इस क्लिनिक के बारे में, बाकी हेयर ट्रांसप्लांट लास्ट डिसीजन था मेरा। मेरी हेयर बार्डनेस जो होती थी वो मैं वैसे नहाते टाइम भी होती थी, जब नहाने जाता था बहुत बाल निकलते थे, और उसके बाद में जब कंघी करता था तब भी बहुत बाल निकलते थे। मैंने अपनी बार्नेस के लिए सारे उपचार किए, सारे जो जिसने जो भी बोला मैं वो काम करता गया, बार्नेस के मेडिसिन भी ली, और बाकी बहुत अजीब लगता था, बार्नेस थी तो कहीं जाने में भी बहुत अजीब ही लगता रहता, कैसे जाएँ सबके किसी पार्टी या किसी के मतलब रिलेशन में जाने में भी थोड़ा अजीब फील होता था। अच्छा लग रहा है कि पहले से तो बहुत बेहतर है, मेरा कॉन्फिडेंस बहुत सही हो गया है पहले से। पहले बहुत कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं था, जब कहीं जाने के थोड़ा अलग सोचता रहता था कि नहीं कैसे जाएं, बार्नेस है, बाल कैप लगा के कहीं जाना शादी पार्टी में, तो अब जो है मैं बहुत कोई भी हमें दिक्कत नहीं होती है, ऐसे ही जाते हैं बहुत अच्छी तरीके से। मेरे दोस्त ने एक बार मुझे बताया कि आप हेयर पैच लगवा लीजिए तो कॉन्फिडेंस आएगा आपको, मुझे उससे कोई कॉन्फिडेंस नहीं लगा था, मैं लास्ट में हेयर ट्रांसप्लांट ही डिसीजन किया और उससे मेरा कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा, आज मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। इस क्लिनिक के व्यूज मैंने यूट्यूब पे देखे थे तो उससे पता चला था कि यहाँ का रिजल्ट अच्छा आता है, तो मैं यहाँ पे आया भी एक बार, विजिट भी किया क्लिनिक। जब मैं यहाँ हरिद्वार के टीम में आया तो यहाँ पे डॉक्टर से बात हुई, तो उन्होंने जो है मुझे बोला कि पहले मैं बहुत नर्वस था, सर्जरी कैसे होगी डर बहुत लगता था। सर्जरी के बारे में डॉक्टर से बात हुई तो जब लास्ट में सर्जरी शुरू हुई तो फर्स्ट डे सर्जरी हुई तो कुछ पता ही नहीं चला, फिर मैं कॉन्फिडेंस फील कर गया कि हाँ कोई दिक्कत नहीं होती है, हाँ कि यहाँ का जो है स्टाफ और यहाँ के डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, यहाँ इस क्लिनिक का हाइजेनिक भी बहुत अच्छा है, साफ सफाई बहुत अच्छी है यहाँ पे। जब मैं OT के लिए गया तो वहाँ पे जो डॉक्टर सर थे, वहाँ की स्टाफ था, तो वहाँ पे जब सर्जरी शुरू हुई तो कोई पेन भी नहीं हुआ, पता भी नहीं चला मेरे सर्जरी कब पूरी हो गई, कब कुछ भी नहीं पता चला, कोई पेन भी नहीं हुआ, नॉर्मल तरीके से जैसे हल्की सी चीटी जैसी काटती है बस वैसा ही थोड़ा बहुत पता चला, बाकी बहुत अच्छे तरीके से सर्जरी हुई और डॉक्टर सर और बाकी सारा स्टाफ बराबर पूछता रहा अनुराग कैसे हो, और बाकी वहाँ पे बीच बीच में रिफ्रेशमेंट भी मिलता रहा। मेरी सर्जरी में लगभग 5,000 के आसपास ग्राफ लगे हुए हैं और मैंने KST टेक्निक से ही हेयर ट्रांसप्लांट कराया, क्योंकि वो उसका जो है रिजल्ट हमें सही लगा, उसके व्यूज भी सही लगे, तो मैंने वही टेक्निक यूज की। मेरी जब सर्जरी हुई थी लास्ट, सर्जरी कंप्लीट होने के बाद मेरे कोई भी पेन नहीं हुआ, ना मेरे कोई सोलिंग हुई और कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं हुई, बाकी जो है यहाँ से क्लिनिक से भी कॉल जाती रहती थी कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। सर्जरी के बाद हमें कुछ प्रिकॉशंस डॉक्टर सर ने लिए थे जो मैंने घर पे किए, जैसे कि डस्ट से बचना था और धूप में नहीं जाना था थोड़े दिन तक, TNS बोतल स्प्रे का भी 1-1 घंटे पे बताया गया था, मैंने सारे प्रिकॉशंस फॉलो किए
यहाँ की जो टीम है बहुत अच्छी है। बराबर मेरे पास कॉल आती रहती हैं, कोई परेशानी कोई दिक्कत तो बराबर प्रकाशन भी पूछते रहते हैं, डॉक्टर से भी बात हो जाती है, कोई दिक्कत परेशानी होती है तो यहाँ का स्टाफ बता देता है। कॉलिंग टीम बराबर कॉल करती रहती है कभी कभी, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। हेयर ट्रांसप्लांट के 10 या 15 दिन के बाद जो है शेडिंग फेज शुरू होता है, तो वो लगभग 2-3 महीने तक रहता है, तो उसमें घबराने वाली बात नहीं होती है। किसी किसी के ज़्यादा होता है, मेरे तो ज़्यादा नहीं हुआ था, बाकी कोई परेशानी नहीं होती है। घबराना नहीं चाहिए पेशेंट को, इंतजार करना चाहिए रिजल्ट आने तक। इसको यहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट या बारनेस की समस्या हो वो यहाँ पे आके हेयर ट्रांसप्लांट हरिद्वार में आके करा सकता है। QST सेंटर पे बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है, आप सामने मेरा रिजल्ट है, आप लोग देख सकते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट की कॉस्ट भी यहाँ पे सब क्लिनिक से अच्छी है, आप जो है करा सकते हैं यहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट। मेन चीज है रिजल्ट देखना चाहिए पेशेंट को, रिजल्ट कैसा आता है। कॉस्ट तो कम में भी कर सकता है, लेकिन अच्छा रिजल्ट नहीं आता है तो लोग फिर परेशान होते हैं, मेरा रिजल्ट नहीं अच्छा आया। इतना अच्छा रिजल्ट देने के लिए थैंक यू QST। If you like this video, share it with your friends and don't forget to subscribe to our channel.